प्रथम तहलका न्यूज। इसका की बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस को लेकर एक समीक्षा बैठक की, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कई जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि एक महीने में प्रदेश में आए तबलीगी जमात के सभी लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया जाए। बता दें कि विभाग में उन्होंने कहा कि आवश्यक चीजों को पूरा करने को लेकर भी समीक्षा की गई कि सभी संसाधन जिनकी जरूरत है, चाहे वो दवाइयां हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, उनकी आपूर्ति हो रही है या नहीं, इसको लेकर समीक्षा बैठक की गई। अधिकारियों ने भी सभी अपने आंकड़े पेश किए, अपनी रिपोर्ट पेश की। वहीं विज ने कहा कि पीपीई किट को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली, जिसकी आपूर्ति फिलहाल नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं करीब 2.5 लाख पीपीई किट्स का ऑर्डर दिया गया है। विज ने ये जानकारी साझा की कि इनकी आपूर्ति जल्द ही कर ली जाएगी, जहां भी कमी है वहां ये किट्स पहुंचाई जाएंगी। वहीं पीपीई किट को लेकर दोबारा टेंडर लेने की योजना भी बनाई जा रही है, दोबारा पीपीई किट्स के लिए टेंडर निकाला जाएगा। वहीं बताया कि हाई पावर परचेज कमेटी में पीपीई किट की खरीद का निर्णय लिया जाएगा, जल्द ही इस पर आगे बातचीत होगी। वहीं राज्य के सभी 5 मेडिकल कॉलेजेस को कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है, यानी कि जो संक्रमित पाए जाएंगे या जो संक्रमित पाए जाने की जिनमें संशय है, उन्हें यहां पर रखा जाएगा। क्वारंटीन किया गया इन 5 अस्पतालों को, और कोविड से यानी कोरोना से संक्रमित मरीजों को इन सभी 5 अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। यहां सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है, उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं नूह, जहां से हरियाणा में सबसे ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं, वहां भी प्रशासन को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए। ये तमाम जानकारियां स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद साझा की। वहीं अनिल विज ने ये भी कहा कि सभी जगह की रिपोर्ट्स लगातार ली जा रही हैं, सभी जगह लगातार बातचीत की जा रही है, और जिस भी चीज की कमी है तमाम संसाधनों को पूरा करने की प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग का अमला भी लगातार कोरोना की इस लड़ाई में लड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं मरीजों को हर सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। समीक्षा की है सारे स्वास्थ्य विभाग की और मेडिकल एजुकेशन की, कि कहाँ पर क्या क्या स्थिति है और क्या क्या किया जाना जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं, जिनमें एक फैसला ये है कि जो तबलीगी एक महीने के अंदर अंदर आए हैं, चाहे उनमें सिम्टम हैं चाहे नहीं हैं, सारों के टेस्ट करवाए जाएंगे। उसके लिए हमने आदेश भी जारी कर दिया कि सबके टेस्ट करवाए जाएं, जो मरकज से होके आए हैं एक महीने के अंदर अंदर जितने लोग आए हैं उनका सारों का टेस्ट कराया जाए। बाकी अपने स्टाफ को इक्विप करने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए सारी चर्चा की गई है, और उसके लिए आज हमारी हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग भी हो रही है। उम्मीद है कि उसमें सारा सामान जो है उसके टेंडर ओके हो जाएंगे, और सबको जो हमारे डॉक्टर्स को सामान चाहिए वैसे हमारे पास काफ़ी आ चुका, लेकिन और सामान की जो ज़रूरत है उसके लिए आज चर्चा की गई।